ये देखो छोटी सी बाछी है। ये देखिए यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवांग नायर व्लॉग्स में। मैं आपका दोस्त शिवांग नायर लेकर आ गया एक नया व्लॉग इन हसीन वादियों से। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थोड़ा लेट, मतलब काफ़ी लेट हो रही है, 4:30 बजे से। और सुबह हमने बहुत कुछ काम वगैरह करा, पर मतलब ये बिस्तरा सुखाए अंदर के पूरे, रजाई गद्दे सब। तो बस अभी हम शाम का वक्त हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं अपने गांव के नीचे, जो गांव में नागरजा का मंदिर है, तो नागरजा के मंदिर जा रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं, और जैसे मैंने पहले दिखाया था, पहले थोड़ा अलग था नागरजा का मंदिर, अब थोड़ा उसमें चेंजेस आ चुके हैं, थोड़ा बदलाव ले आए, थोड़ा ठीक मरम्मत और अच्छे से कर दिया गया है, बाकी और अच्छे से होने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं अब नीचे, और यहाँ पे सीढ़ियों का काम इतना पहुँच चुका है। ये देखिए इतना काम हो चुका है सीढ़ियों का। और मकान भी इतना बन चुका है, यहाँ पे जो पूरा कल खोदा था वो सारा साफ कर दिया गया, अब यहाँ पे सीमेंट डलेगी। पानी में पहुंच गए अब हम, और हमें नागरजग मंदिर बहुत ताल छ, और एक दादी लोग भी आगे भी दादी। तो टफी भी आ गया है, और यहाँ पे बोड़ी भी आ गई हमारी, नागरजग मंदिर जाना हम। चलो तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे। इस रास्ते की भी बहुत बुरी हालत हो रखी है, जब से रोड बनी उसके बाद से रास्ता ही बेकार हो रखा है, ये नीचे जाने का रास्ता। पहुँच गए भैरव देवता में, जय हो भैरव देवता। तो यहाँ ऊपर से रास्ता है, यहाँ नीचे को इधर से, यहाँ से रास्ता जा रहा है इधर, यहाँ से रास्ता देखिए जा रहा है। ये रहा वही जो छंछड़ का पानी आता था यहाँ पे, भैरव गिड्डी, और ये पूरा सूख चुका है। ये है ना छंछड़ का, यहीं आता ना। ये ऊपर हमारा पुंगड़ है, यहाँ से लगा हुआ है रास्ता। तो यहाँ से देखिए ये सीधा सीधा रास्ता बन रखा है, यहाँ पे पूरा देखो सीमेंटेड कर रखा है रास्ता। टफी, हेलो टफी, टफी हेलो टफी। और ये दूसरा कुत्ता भी आ रहा है हमारे साथ। ये पूरा रास्ता यहाँ से नागरजा का आने वाला है, नागरजा वहाँ सामने से दिख रहा है हमारा नागरजा। टूट गया।
तो बस पहुंचने ही वाले हैं नागरजा मंदिर में। तो यहाँ से नीचे को है रास्ता और सबसे पहले यहाँ पे है गोवा वाले दादाजी के बेटे का मंदिर। जय हो। ये उन्हीं का मंदिर है। एक मंदिर ये रहा। तो ये रहा पूरा मंदिर। ये रहा नागर जी का, नागर जा का मंदिर। एक मंदिर यहाँ पे भी है, एक छोटा सा एक उधर भी है। दोस्तों पहले ये पूरा सीमेंटेड नहीं था, ये अभी बनाया गया है कुछ टाइम पहले। ये पूरा सीमेंटेड कर दिया गया। पहले यहाँ पे पूरा पेड़ नीचे को आ रखा था, अभी पूरा पेड़ वेड़ हटाया। तो ये जवान थे जिनका, तो इसलिए उनका मंदिर यहीं पे तड़प रखा है। वो बाबू है मंदिर। जय हो नागरजा देवता। देखो पूरा इतना बड़ा पुस्ता रखा गया यहाँ पे, बहुत बड़ा, पूरा सीमेंटेड हुआ है। ये कटेगा भी पेड़। पहले यही तो पूरा इसके ऊपर आ रखा था पेड़। हाँ? पूरा यही तो आ रखा था पेड़। तब फिर बाउंड्री होगी, बाउंड्री भी होगी इसकी, बाउंड्री। बाउंड्री होगी। ये पूरा कटेगा यहाँ पे और ऐसे इधर आएगा पूरा बाउंड्री। किनारे किनारे भी बाउंड्री होगी। तभी पूजा वूजा के लिए यहाँ पे बहुत, मतलब पहले बहुत अजीब सा था ना, अब सही हो गया है। ये रहा तिमले का पेड़। तो अभी दादी और बोड़ी बता ला, ये नागरजा मतलब कत का पुराना मंदिर बताओ। बहुत पुराना है बाबा। इतना साल तो हमारे शादी हुई है, वही नौ से भी पहले गए। मतलब ये पूरे गांव नागरजा से। पूरे गांव से। अच्छा, और ये कोई कहानी वानी चाहिए, या हमारे पूर्वज करते होंगे ना पूजा? ये छाया भटकोटी जगर जी और भटकोटी जगर जी और था ना। हां, वो जब बोले वो डोर खण बोले ये के बोलन यो यो क्या चे डाला कि यो वो एको यो के मंदर गया तब एक बार मतलब कुछ तब उन मंदिर बना दिए यक। तब उन मंदिर बना था तो पूजर हुए गिन। अच्छा, तब वो पूजर हुए गिन तो वही छाया सत तब पूजर हुई छाया और इन पूजर छाया फिर भटकोड़ी गिर जाए गिर जा तो गिर जा गिर जा बाबा यो भीमक पापा। भीमक पापा का यो। अच्छा, भीम पंडित नहीं हमार। हां, और तो मतलब ये यक भी पूजा तभी उन जब अठवाड़ उन या उनी ना तो पूजा तो कोई भी कबर भी कर रहा है। अच्छा, हां तो हमारे बहुत साल बड़े पूजा नहीं हुआ है। हां, भगवान शुक्रा करो है सर, भगवान बार दयालु मालिक हम तो दयालु, तब हम जरूर पूजा करला। वो एक जरूर मेरी इच्छा थी कि हम पूजा कर नागरजन नरसिंह। हां, ये बेचारा भगवान जी का। हां, जय गुवारे च बाबा हम तो गुवारे तो पूजा करना मन तब जब हम तो बाट दयालु। ये रहा तिमले का डाल। तिमले का डाल।
पीछे भी जाम के। तो हमने दर्शन कर लिए है और अब हम जा रहे हैं ऊपर वापस, रास्ते लगे हुए चढ़ाई चढ़ रहे ऊपर की, बाकी नजारा पीछे। तो ये रहा संगी भाभी और का घर, यह उधर भाभी है, खेत। अच्छा और यहाँ पे धर्मेंद्र भाई, और ये रहा संगी भाभी और का घर पूरा। इस पानी को यूज ना कर लो। और इधर संगी भाभी और की गाय। गाय है ये, थोड़ी डरावनी गाय है। और उधर दीवान, ये दीवान भैया और का घर, ये दीवान भैया का घर है। ये देखो किसी बाची है, कितने दिन की हुई? आज का 48, आज है 25, 24। अच्छा, एक 24 दिन तक, 24 दिन तक अभी। अच्छा, 24 दिन। और किसकी है ये सफेद वाली की? अच्छा, ये भी क्या है। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं भाभी के घर में। अरे भाभी का पहाड़ी चूल्हा, देखो दो दो बर्तन रख सकते हैं इसमें। खुद बनाए भाभी आपने? अच्छा, अच्छा ये देखो यहाँ से कुकड़े। तो अब हम जा रहे हैं बोडी के घर, बोडी के यहाँ पे, परवा भाभी के यहाँ पे। तो दिखाते हैं उनके घर भी क्या करते हैं, और बोडी का डब्बा भी ले जा रहा हूँ मैं पानी का। चलिए चलते हैं। यहाँ ऊपर है भाभी और का घर। ये देखिए यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं पानी से ऊपर, और मतलब ताईयोर के घर से, और एकदम मौसम बन चुका है घना घोर, लगता है बारिश आ जाए। काश आ जाए बारिश, क्योंकि अभी दो दिन हो गए बारिश नहीं आई। तो दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू, बहुत ही मस्त हो चुका। कल तो हुई थी हमारी।